नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर अध्ययन के समय मस्तिष्क कैसे ताजा रखें। हर 15 मिनट पढ़ने के बाद रेस्ट लेना। ये 15 मिनट हमने टिपिकल वैल्यू लिख दी है। 15 जगह 10 हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, एक पैरा हो सकता है, एक पेज हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको 5-6 मिनट रेस्ट लेना है। भले ही आप सवेरे पढ़ रहे हों, दोपहर में, शाम को या एग्जाम से पहले आपको 10 घंटे पढ़ना है, आप सोच रहे हैं टाइम नहीं है, फिर भी आप रेस्ट लीजिए, आपको फायदा होगा। देखिए, इधर मैंने एक प्लॉट दिखाया है, ये टाइम है और ये दिमाग में संभलने की इफिशेंसी है। क्या होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में जब दिमाग ताज़ा होता है तो हमें खुद समझ में आता है, धीरे धीरे समझने की शक्ति कम होने लगती है, थकान आने लगती है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वही लाइन है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा दिमाग थकने लगेगा और दिमाग के समझने की शक्ति कम होने लगेगी और काफ़ी समय आने के बाद तो बहुत कम समझ में आएगा। तो क्या करते हैं कि 15 मिनट पढ़ने के बाद जब थोड़ा दिमाग की शक्ति कम हो जाती है, हम रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का। जब आप रेस्ट लेंगे तो दिमाग फिर फ्रेश होने लगेगा। ये जो ग्रीन कलर है ये रेस्ट पीरियड है, तो ये पॉइंट इससे ऊपर है। फिर आप पढ़िए, फिर थकने लगेगा, फिर 5 मिनट बाद रेस्ट लीजिए तो फिर ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही होता रहेगा। तो पहले जो समझ में आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था, अब जो समझ में आएगा वो ऐसा आ रहा है। ये लाइन इस लाइन से ऊपर है, ऊपर वाली लाइन है विद रेस्ट, बीच बीच में जो हमने रेस्ट लिए हैं, और नीचे वाली लाइन है नो रेस्ट। तो ये लाइन इससे ऊपर है, तो ओवरऑल आप देखें तो आपको उतने ही समय में ज़्यादा समझ में आएगा।